हेलो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ने 2021-22 सेमेस्टर वन यानी कि ऑटम सेमेस्टर के लिए अपने पीएचडी एडमिशन पोर्टल्स ओपन कर दिए हैं। इन सारे कॉलेजेस की लिस्ट सिर्फ आईआईटीज एंड आईआईसी बैंगलोर, इन सब की लिस्ट मैंने आपको एक्सेल शीट में बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दी है, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उसके अलावा फ्यू की पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर आर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी प्रिलिमिनरी शॉर्टलिस्टिंग आपकी होगी एकेडमिक बैकग्राउंड के ऊपर कि आपके परसेंटेज बीटेक या एमटेक में कैसे हैं। उसके बाद आपका रिटन या इंटरव्यू हो सकता है। रिटन की पॉसिबिलिटी इस बार कम है कोविड की सिचुएशन को देखते हुए, इसलिए डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल्स आने की उम्मीदें ज़्यादा हैं आपको बेस्ड ऑन योर स्कोर इन बीटेक और एमटेक। तो दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एज वेल। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम हुए तो आप कम स्कोर में भी इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ सकता है, और ज़्यादा हुए तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है। उसके अलावा गेट इज़ यूजली नॉट अ रिक्वायरमेंट। अगर आपकी एम टेक है या एम ई है तो आपको डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट आप हो सकते हैं, वरना MSc जिनकी होती है उनको UGC नेट, GRF, CSIR ऐसे फंडिंग एजेंसीज वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्रैक करना ज़रूरी होता है। उसके अलावा डू चेक द डायरेक्ट PhD ऑप्शन फॉर दोज पीपल हु आर करेंटली डूइंग देयर BTECs एंड दे आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च। उनको मास्टर्स स्किप करनी है या टाइम बचाना है, या फिर वो इतना ज़्यादा श्योर हैं अपने रिसर्च के आइडिया को लेके तो दे कैन गो डायरेक्टली फॉर PhD। And a lot of IITs are offering that. Abhi recently I checked was IIT Hyderabad. So you need to have a CGPA of above 0.8. अगर आप IITs या NITs या किसी centrally funded university से हैं, institute से हैं, या फिर अगर आप किसी private institute से भी हैं तो आपकी CGPA 9 से ऊपर अगर है तो आप eligible हैं for direct admissions into PhD just after BTech. So all the best, take the deadlines very seriously and इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आती है statement of purpose यानी SOPs में, resume में, जो कि कई universities में criteria होता है, तो you can join our membership.